अबे सालो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं भाई। एडमिशन के लिए नहीं चलना क्या? काहे का एडमिशन बे? शादी की कोचिंग ओपन हुई है, 100% पास की गारंटी है। अच्छा? हाँ, मैं तो चला। अबे ये देख, अभी अभी एक मैसेज आया, ये देखो शादी की कोचिंग खुली हुई है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन मिलेगा। क्या बात कर रहा है, अब तो मेरी बुलेट को पार्किंग मिल ही जाएगी। चलो चलते। चल। अरे अभी कहाँ जा रहे हो, कल चलेंगे, एडमिशन है वो तो हो ही जाएगा यार। ओ भाई, हम लोग तेरी तरह बिना बेटी के दामाद नहीं है, तुझे आना हो तो आ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। चल चलो। तीनों को बुला रही है। अबे चुतियों रहने दो, कहीं साली ने पुलिस बुला ली तो? हाँ यार रहने देते हैं, पता नहीं कौन सा छुपा हुआ कैमरा हमारी वीडियो बना ले और हमें नेट पे वायरल कर दे। अबे सालो, पिछले 3 साल से कोमल के नाम की माला जप रही है, जब वो सामने से बुला रही है तो सालों की गिली हो रही है। तुम्हें आना हो तो आओ, ये तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। पिछले 3 सालों से मेरे पीछे पड़े, देखते हो, पीछा कर रहे हो, ऐसे तो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फोटोग्राफी फॉलो कर रहे हो, पर आज तक किसी ने मुझसे आके सीधे कुछ कहा नहीं। आखिर कब कहोगे? जब मेरी शादी के लिए एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा तब? पापा ने मेरी शादी के लिए शादी कल्याण विभाग में आवेदन दे दिया, परीक्षा की डेट भी आ गई। मैं तुम तीनों को कल 1 दिन का मौका देती हूँ, जो भी मुझे प्रपोज करेगा, मेरा दिल जीतेगा, मैं उसी से ही शादी करूंगी, सोच लो। क्या बोल गई? कह रहा यार, साली जर्द रख के चली गई यार। अरे काका, तीन चाय लेना जरा। आ लाया। साला ये भी कोई शर्त हुई? शादी की परीक्षा होती है, उसमें तो नकल हो भी जाती, कोई जुगाड़ कर लेते, लेकिन इसने तो इस लाइक भी नहीं छोड़ा यार। अबे चूतिया साला, ये भी कोई शर्त है? पहले प्रपोज करो फिर बात मानेगी। अरे ऐसा होता है क्या यार? अरे यार ये चाय भी नहीं आई अभी तो। हाँ ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे ला रहे होंगे काका। यार काका जरा जल्दी करो यार, जल्दी। कौन है बे? पागल गाने। चल। अरे 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 भाई मत डांटो उसे, वो तो खुद किस्मत का मारा है। सर 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 सर, क्या सर 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 यार? यार ऐसे पागलों से पाला पड़ा हुआ नहीं। चलो भाई आप लोग भी ना। कौन है यार ये? अच्छे परिवार का लड़का है, आईएएस की तैयारी कर रहा, 2 बार 90% आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ रोज सुबह शाम आता है, कोई भी चाय पिला देता है, घर वालों के पास जो भी था सब तैयारी में लगा दिया, अब घर वालों के पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है इसके। बहुत बुरा हुआ है। और आप लोग ना, सॉरी यार गलती हो गई यार, सॉरी यार। इस पागल को छोड़ो, अपनी परेशानी के बारे में सोचो, क्या करना है। बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। काका तुम्हारी शादी हो गई का? बेटा हमारा तो मॉडल शादी लायक है वो। काका तुम बताओ, तुमने चाची ते आई लव यू कैसे बोली? बेटा हम दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, और तुम्हारी काकी कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर रहती। अरे हमारी तो बात से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं थी, फिर हमने क्या करो लेटर में प्रपोज करके भेज दिया। अच्छा आओ, तो बाने हाँ कर दे,
अच्छा तो काका लेटर वाला प्यार है तुम्हारा? काका तुमने इंजीनियरिंग करी है तो ये कि चाय की दुकान कैसे, और तुम्हारी भाषा से तो नहीं लगतो कि तुमने इंजीनियरिंग करी है। बेटा जी का चिमत पूछ, हमारा तो जन्म ही खराब हो तो क्या कर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ शी इज MBA फ्रॉम जीवाजी यूनिवर्सिटी, शी टोल्ड मी इफ यू डू टी बिजनेस देन योर लैंग्वेज विल बी देहाती। काका यस, तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, तो एक बात बताओ तुमने इंजीनियरिंग करी है तो फिर तुम्हारी नौकरी कहाँ नहीं लगी? यार ये छोड़ो, कल कोमल को प्रपोज करना है तो सोचा क्या कैसे करें यार। अबे चूतिए, ये कोई शादी की परीक्षा नहीं कि 30 पास कर लिया और लड़कियां मिल गई, अपना अपना दिमाग लगाओ और प्रपोज करो ना? जब अपन ने ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना है। सही बोला है यार, देखते हैं कल। चलो चलो देखते हैं, चाहे चलो चलो। क्यों राकेश, तू कैसे प्रपोज करेगा अपनी दादी को? अबे भूतनी के, क्या बोला बे? अबे भूतनी के पति। अच्छा मतलब कोमल भूतनी। अबे तेरी भाभी को नहीं, मैं अपनी भाभी को बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अबे चूतियो, तुम दोनों शर्म करो, अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो। कोमल आ गई। कोमल गाल है कितने कोमल, तू बना ले मुझे अपना कोमल और बन जा मेरी कोमल। ये क्या है? ये फूल है, गोभी का फूल। मेरे पापा कहते हैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये प्रपोज में ये फूल के काम आएगा और उसके बाद सब्जी के। क्यों है ना टू इन वन? टू इन वन तेरा हो गया है ना भाई, अच्छे से करियो और आप ध्यान रखियो, भाभी हो भी तेरी। चल चल चल। कोमल तुम हो बड़ी सुंदर, मुझे बना लो अपना बंदर, रख लो अपने दिल के अंदर। क्या मतलब है तुम्हारा? तू तो है एक छछुंदर, ना बन सके मेरा बंदर, मेरे दिल में रहना नहीं है तेरे बस के अंदर। ये लो घर पे जाके सब्जी बना लेना। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया, तुम्हारी झील सी आंखों में मुझे तेरे प्यार में डुबा दिया। कबूल कर ले ए इस गुलाब को ए हुस्न की मलिका। तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो राकेश? आई लव यू। आई लव यू टू कोमल। कोमल ये क्या है? अरे पापा आप यहाँ? तेरी सहरी ने खोल दिया है बेटा तेरा राज, नहीं तो बेटी तू तो कर देती हमारी बर्बादी का आगाज। पापा मैं ये बात आपको बताने ही वाली थी, ये राज मैं आपसे बोलने ही वाली थी। बेटी कोमल तेरी शादी के लिए हजारों फॉर्म आए हैं, बड़े बड़े रईसों के बेटे लाइन लगाए हैं और तू इस भतीजर के गले में वरमाला डाल रही है, ये विचार तेरे दिमाग में आए कहाँ से? अबे चूतिए, ये बाप ऐसे शायरी में बात करता है, ये पागल है क्या? अबे साले कोमल का इतने साल से पीछा कर रहा है, जरा उसके घर में पता भी कर लेता है। उसके पिताजी कवि हैं, कवि, उनकी हर बात में तुकबंदी में बात करने की आदत है, उनके घर में मुशायरा चलता है, मुशायरा। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो नहीं है अब इनसे कोई हो, है कौन सी ये बहुत बड़ी तो। पापा ये तीनों मुझे बचपन से चाहते हैं, जब ना थी इनके पास कोई हो तब ना थी इनके पास कोई बड़ी तो, इसलिए मैं इनमें से किसी एक से ही ब्याह रचाऊंगी, इन्हीं में से किसी एक की बच्चे की माँ कहलाऊंगी। तुझे मेरी एक बात माननी होगी, राकेश के नहीं
महेश के गले में वरमाला डालनी होगी। आखिर क्यों राकेश की जगह महेश ही क्यों? पेपर साहब कुछ बोलती आई है। बेटी आज नए सर्कुलर आए हैं, सरकार ने शादी के लिए नए नियम बनाए। अरे अंकल आप भी शायरी में? ये सर्कुलर आया है कि शादी की परीक्षा में 50% का आरक्षण है। इसमें जो शादी करेगा इस नियम के तहत उसको 50 लाख का इनाम मिलेगा और जिंदगी भर का टैक्स फ्री। और जो इस नियम को नहीं मानेगा भैया उसको 10 साल की जेल। समझ गए कि हो गए फेल? क्या शादी में भी आरक्षण आ गया है? पर पापा राकेश मेरे दिल को भाग गया है, चाहती हूँ इसके साथ घर बसाना, इसका प्यार मेरी चॉइस बना गया है। चॉइस गलत से ऐसा ही नहीं होती, बात कहता हूँ मैं चोखा, जीत उसी की होती है बेटा जो मौके पर मारे चोखा। अरे अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, महेश तो ऑलरेडी शादी शुदा है, आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस देश में जाति हो योग्यता का आधार, कोई नहीं रोक सकता होने से उस देश का पंटाधार। भगवान ही करेंगे उसका बेड़ा पार। वाह 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 क्या बात कही विप्री, चलो चलो विप्री जी। किसी एक ही बच्चे की माँ कहलाऊंगी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसे प्यार रचाऊंगी और एक ही किस। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत सारे मोटिवेशनल पिक्चर्स। थैंक यू। हाय सर, मैं एक्टर संतोष याग्निक। इस फिल्म शॉर्ट फिल्म शादी की कोचिंग, इसको आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं एक्टर गोविंद, शरीवास, और हमारी जो फिल्म है आरक्षण के ऊपर।